सो वी सेक्शन इट, यू कैन टेक सेक्शन एनी वेयर, मैं कहीं भी ले सकता हूँ एट ए डिस्टेंस एक्स, एंड आई ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम फॉर दिस. द फ्री बॉडी विल बी लाइक दिस. लेफ्ट हैंड साइड की फ्री बॉडी डायग्राम मैं ड्रॉ कर रहा हूँ. दिस इज पॉइंट ए एंड ऑन दिस इज यूडीएल लाइक दिस. एंड एट द कट सेक्शन अगेन आई विल शो वी एक्स एच एक्स एंड एम एक्स. सो द डिस्टेंस ओवर हियर इज एक्स. सो एक्स इज मेजर्ड फ्रॉम पॉइंट ए. ए से हम शुरू करके एक्स की वैल्यू इस तरफ पे इंक्रीज कर रहे हैं, और मैं इसकी इसकी कुछ भी वैल्यू हो सकती है फ्रॉम 0 to L. सो मैं ये सेक्शन यहाँ पे पास किया और यहाँ पे थ्री फोर्सेस मैंने शो की, एच एक्स वी एक्स एंड एम एक्स. इनकी वैल्यू कैलकुलेट हमने करनी है बाय अप्लाइंग इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम. सो अगेन द सेम प्रोसीजर आई विल फॉलो. स्टेप ए, सम ऑफ ऑल द हॉरिजॉन्टल फोर्सेस इक्वल टू जीरो पॉजिटिव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. नाउ इन दिस केस बिकॉज ओनली फोर्स इज एच एक्स जो हमने यहाँ पे लगाई है, सो इसकी वैल्यू 0 के बराबर आ जाएगी. सो देर विल बी नो एक्सियल फोर्स डायग्राम इन दिस केस. देन स्टेप बी, दैट सम ऑफ ऑल द वर्टिकल फोर्सेस इक्वल टू 0 पॉजिटिव अपवर्ड. सो इफ यू अप्लाई दिस नाउ, व्हाट आर द वर्टिकल फोर्सेस? सो दिस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड इज एक्टिंग डाउनवर्ड, राइट? सो दिस इज एक्टिंग डाउनवर्ड. सो द वैल्यू इज डब्ल्यू न्यूटन्स पर यूनिट मीटर, मतलब 1 मीटर पे डब्ल्यू न्यूटन है. तो टोटल एक्स मीटर इज द लेंथ. सो दिस इज अ टोटल लोड एक्टिंग ऑन द एक्स मीटर. सो टोटल लोड विल बी डब्ल्यू मल्टीप्लाई बाय एक्स, एंड इट इज नेगेटिव बिकॉज इट इज एक्टिंग डाउनवर्ड. तो ये नीचे को लगेगा, तो इसकी वैल्यू नेगेटिव. देन दिस शियर फोर्स इज एक्टिंग डाउनवर्ड, सो दिस इज ऑल्सो नेगेटिव. वी एक्स इक्वल टू 0. नाउ फ्रॉम हियर वी कैन राइट द शियर फोर्स इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू इंटू एक्स. आई कॉल इट इक्वेशन नंबर 1. नाउ व्हाट इट सिग्निफाइज? इट सिग्निफाइज दैट शियर फोर्स इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, एंड एक्स की पावर 1 है, राइट? तो शियर फोर्स की जो इक्वेशन है वो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन रहेगी, राइट? बिकॉज एक्स की पावर हमारे पास 1 है. तो अब मैं डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर शियर फोर्स की वैल्यू डिटरमिन करूंगा, राइट? एट एक्स इक्वल टू 0, वी ए विल बी इक्वल टू 0. बिकॉज अगर मैं एक्स को यहां पे 0 पुट करूंगा तो शियर फोर्स की वैल्यू 0 आ जाएगी. ना एट एक्स इक्वल टू एल द शियर फोर्स इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू एल. नाउ आई कैन ड्रॉ द शियर फोर्स डायग्राम. अब मैं इसको ड्रॉ कर लूंगा. आई विल ड्रॉ अंडरनीथ दिस, बिल्कुल इसके नीचे ड्रॉ करेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा. नाउ दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी. सो पॉइंट ए के ऊपर शियर फोर्स 0 है. सो पॉइंट बी के ऊपर इसकी वैल्यू है डब्ल्यू इंटू एल, एंड आई कनेक्ट दिस 2 पॉइंट्स विद ए स्ट्रेट लाइन. लाइक दिस. सो दिस इज नेगेटिव एंड दिस वैल्यू इज डब्ल्यू इंटू एल. सो दिस इज योर फोर्स डायग्राम. सो वेन एवर देर इज ए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड द शियर फोर्स डायग्राम विल बी ए स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन. इट विल वेरी इन ए स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन. सो 0 से शुरू होगा और धीरे धीरे आगे, जैसे जैसे आगे की ओर जाते रहेंगे बीम के ऊपर, इसकी वैल्यू मैक्सिमम होती जाएगी, और पॉइंट बी के ऊपर आगे इसकी वैल्यू मैक्सिमम रहेगी. लेट अस कैलकुलेट द बेंडिंग मोमेंट. सो फॉर दैट आई अप्लाई सम ऑफ ऑल द मोमेंट्स अबाउट पॉइंट एक्स इक्वल टू 0 पॉजिटिव क्लॉकवाइज. सो वी टेक मोमेंट अबाउट दिस पॉइंट. सो जहां से हमने उसको बीम को कट किया उस पॉइंट के अराउंड आप मोमेंट लोगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू टेक द मोमेंट ऑफ दिस फोर्स यूडीएल विच इज एक्टिंग डाउनवर्ड. अब ये नीचे को लग रही है तो पहले तो फोर्स की वैल्यू लिखेंगे. टोटल फोर्स इज डब्ल्यू इंटू एक्स. देन दिस विल एक्ट एट द सेंट्रॉइड ऑफ दिस टोटल डिस्टेंस एक्स. तो ये कहाँ पे लगेगी? ये अब इसके सेंट्रॉइड पे लगेगी, ओवर हियर.
ठीक है, तो ये कुछ मैं इसको इमेजिनरी दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे लग रही है, और सेंटर से लेके कट पॉइंट तक का डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस हम लेंगे विच इज एक्स बाय टू। सो फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस एक्स बाय टू, एंड दिस विल बी नेगेटिव बिकॉज दिस फोर्स विल रोटेट द बीम इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन अबाउट दिस कट पॉइंट, तो माइनस। देन आई टेक दिस डायरेक्ट मूवमेंट जो लगाया हुआ है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, माइनस एम एक्स इज इक्वल टू जीरो, और एम एक्स इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाय टू। सो व्हाट इट सिग्निफाइज, इट सिग्निफाइज दैट द बेंडिंग मोमेंट इज अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड एक्स इज हैविंग पावर टू, सो दिस विल बी अ पैराबोलिक इक्वेशन, पैराबोलिक इक्वेशन, एंड दिस वॉज शीयर फोर्स वॉज अ स्ट्रेट लाइन। सो बेंडिंग मोमेंट विल वेरी इन ए पैराबोलिक मैनर। अब हम कैलकुलेट करेंगे एट पॉइंट ए एट एक्स इक्वल टू जीरो, एम ए विल बी इक्वल टू जीरो। जब एक्स की वैल्यू जीरो पुट करेंगे तो बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू जीरो आ जाएगी। फिर बी के ऊपर कैलकुलेट करेंगे तो एक्स की वैल्यू एल के बराबर हो जाएगी। सो राइट एट एक्स इक्वल टू एल, एम बी विल बी इक्वल टू माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय टू। सो दिस इज द वैल्यू एट पॉइंट बी। सो आई ड्रॉ दिस, बिल्कुल नीचे ड्रॉ करूंगा बी एम डी। सो एट पॉइंट ए इट इज जीरो, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी। बी के ऊपर इसकी वैल्यू मेरे को पता है, लाइक दिस, दिस इज डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय टू। सो आई विल ड्रॉ द पैराबोलिक कर्व रफली लाइक दिस, दिस विल वेरी इन ए पैराबोलिक फैशन बट इट इज नेगेटिव। सो दिस इज द शियर फोर्स डायग्राम एंड दिस इज द बेंडिंग मोमेंट।